नमस्कार, मैं हूं बलराम सर्राफ। आप देख रहे हैं केआर न्यूज। अब प्रत्येक महीने के प्रथम मंगलवार को बिहार सरकार के सभी कार्यालयों में होगा जल जीवन हरियाली दिवस का आयोजन। जिला पदाधिकारी मधुबनी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवड़े ने विशेष सचिव ग्रामीण विकास विभाग बिहार पटना द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में सभी विभागों के पदाधिकारियों को प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को पूर्वाह्न 11 बजे से 12 बजे तक एक घंटा जल जीवन हरियाली दिवस आयोजित करने का निर्देश दिया। पत्र के माध्यम से बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न परिस्थिति की चुनौतियों से निपटने तथा जल को प्रदूषण मुक्त रखने, इसके स्तर को संतुलित बनाए रखने, हरित आच्छादन को बढ़ावा देने, नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग एवं ऊर्जा की बचत पर बल देने तथा जलवायु परिवर्तन के अनुरूप कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को नया आयाम देने के लिए विभिन्न विभागों और विशेषज्ञों के समन्वय से जल जीवन हरियाली अभियान का क्रियान्वयन मिशन मोड में किया जा रहा है। इस अभियान की जागरूकता हेतु विभागीय निर्देश के आलोक में प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार, अवकाश की स्थिति में अगले दिन बुधवार को 11 बजे से 12 बजे तक जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में जल जीवन हरियाली से संबंधित विषयों पर परिचर्चा भी किया जाएगा। प्रथम जल जीवन हरियाली दिवस 3 मार्च 2020 को आयोजित होगा। इस अवसर पर सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन देने एवं ऊर्जा की बचत पर बल विषय वस्तु पर परिचर्चा की जाएगी। कार्यक्रम के प्रथम 15 मिनट में उपस्थित प्रतिभागियों को जल जीवन हरियाली के सभी अवयवों के संबंध में जानकारी दी जाएगी एवं इसके उपरांत चयनित विषय पर परिचर्चा की जाएगी। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला स्तर से पंचायत स्तर तक सभी सरकारी कार्यालयों में किए जाएंगे। जिलाधिकारी मधुबनी द्वारा सभी कार्यालय प्रधान को इसकी अध्यक्षता करने एवं सभी कर्मियों पदाधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही विभागीय निर्देश के आलोक में निर्धारित तिथि को जल जीवन हरियाली दिवस आयोजित करने का भी निर्देश दिया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह महत्वाकांक्षी योजना है। मुख्यमंत्री इस योजना को मिशन मोड में लेकर चल रहे हैं। इसी योजना को लेकर 19 जनवरी को पूरे बिहार में ऐतिहासिक मानव श्रृंखला का आयोजन हुआ था।